नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए मसूर दाल और सहजन के पत्ते के पकौड़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। सहजन के पत्ते और मसूर दाल की पकौड़ी बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है। चलिए इसे बनाने के लिए कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आइए देखते हैं। 2 कटोरी मसूर दाल, जिसे 2 घंटे के लिए भिगा के रखे थे, ये अच्छे तरीके से फूल गया है। 1 कटोरी सहजन की पत्ती, 4-5 कलियाँ लहसुन, 1 अदरक टुकड़ा जिसे बारीक काट लिया गया है, 1 हरी मिर्च खड़ा और 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया गया है, और 1 बड़े साइज की प्याज जिसे बारीक कर दिया गया है। तलने के लिए तेल, नमक, हल्दी, जीरा। अगर आपको तीखी ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्ची और डाल सकते हैं, और स्वाद के लिए हींग। चलिए हम पहले मसूर दाल को अच्छी तरीके से पीस लें। तो चलिए सबसे पहले मैं मिक्सी में मसूर की दाल को मिक्स कर पीस लेती हूँ। इसमें लहसुन, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, अब इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। हमारा मसूर दाल में पीस के रेडी मसूर दाल पीस के रेडी हो गया है। अब इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी और लाल मिर्च तो देने जरूरत नहीं है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप और इसमें लाल मिर्च चाहे हरी मिर्च डाल सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिलाएं। जब ये अच्छे तरीके से मिल जाए तो इसमें अदरक, हरी मिर्च, प्याज और पत्ता और सहजन के पत्ते इसे अच्छे तरीके से मिला लें। चाहे तो आप हाथ से भी मिला सकते हैं। इसमें थोड़ा हींग मिलाएं और उसके बाद इसे और अच्छी तरीके से मिला दें, जिससे तेल हींग पर डालने से तेल कम लगता है। अब हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब इसे मैं तलने के लिए कढ़ाई चढ़ाऊंगी। तेल हमारा गरम हो गया है, इसे आप चाहे तो चम्मच से दीजिए या हाथ से, मैं दोनों करके आपको दिखा देती हूँ। जितने कढ़ाई में आटे उतना आप डाल दें। सबको उलटते रहें, एक तरफ हो जाए तो दूसरी तरफ उलट दें सबको, तो ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाएगा। देखिए हमारा पकौड़ी तल के रेडी हो गया है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं आपको हाथ से करके दिखा देती हूँ। इसी तरह सारे पकौड़ी को मैं छान लेती हूँ। इसे भी जब एक तरफ हो जाए तो उलट दें और अच्छी तरीके से मीडियम आंच में पकाएं।
देखिए हमारा पकौड़ी तल के रेडी हो गया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे निकाल लेती हूँ। हमारी पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही क्रिस्पी हुई है, देखिए कितनी क्रिस्पी हुई है। आप इसे चाय के साथ या किसी भी चटनी के साथ या सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।